अभी बच्चों को रेडी किया है स्कूल के लिए। आज इनके स्कूल में ना, सॉरी, फ्लैग डे। आज आज इनके स्कूल में ना मतलब नेशनल डे है, तो उसकी आज उसके लिए रेडी किया है। उन्होंने कहा था कि फ्लैग में जो भी कलर है ना, तो इसमें से कोई सा भी आप कलर पहन सकते हैं। तो इसको ब्लैक दिया है और इसको रेड। खड़े होकर दिखाओ, स्टैंड अप प्लीज। ये जो महर का ड्रेस है ना, उसके बर्थडे का ड्रेस है, तो मैंने आज ही पहना दिया। महर, यू लुक सो क्यूट जैन जिमर, एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल। यस, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? जैना ब्रेकफास्ट करिए। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अभी मैं इनका लंच रेडी कर लूँ, फिर हम चलते हैं स्कूल। आज इनके स्कूल में ना लाइक 3 से 4 आवर्स के लिए है, इनको मैंने जल्दी पिक करना है। तो इनको मैंने सिंपल स्नैक दिया है, कोई सैंडविच वगैरह नहीं दिया है, सिंपल फ्रूट्स दिए हैं, यहाँ से खजूर है एंड बिस्किट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अभी इनका रेडी हो गया है और जैना स्कूल नहीं जा रही है, वो कहती है आज उनके स्कूल में सिंपल सारा फ्लैग डे है, तो सिर्फ महर और ज़ीमल जाएंगे। तो ये मैं इनके बैग में डाल दूँ। और बच्चों को देखो, वो अभी तक लेटी हुआ है, वो अभी तक ब्रेकफास्ट कर रही है। कम महर, लेट्स गो, आ जाओ जल्दी से। ये लंच लंच बॉक्स डालो बैग में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। हम भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वॉइस ओवर करके इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आई थिंक मेरा लास्ट व्लॉग था अगस्त में, यूके में जब मैं थी। यूके से मैं जब वापस आई हूँ, लाइक 2 से 3 मंथ्स हो गए हैं। लाइक वो अगस्त का मिड था, लाइक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे इतना अजीब सा लग रहा है, लेकिन अब मैं कभी भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी, कभी पोस्ट नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये जो लास्ट 3 मंथ थे ना, मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल वक्त अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा लाइफ की तरफ वापस आने के लिए कोशिश चल रही है। क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम होता है जब आपका बहुत क्लोज लाइक आपका पेरेंट्स इस दुनिया से चले जाएँ। अल्लाह ताला ये वक्त कभी भी किसी को ना दिखाए। दिल से दुआएं सबके लिए, आप सबके माँ बाप को आपके सनों पर सलामत रखें। मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ मगफरत कीजिएगा। और अभी मैं चल रही हूँ साथ वो सो कर रही हूँ, मुझे बैठ के बात करनी चाहिए वैसे। ओके, अभी आज बच्चों के स्कूल में ना नेशनल डे था, और इतना अच्छा लगा। मैं इनके स्कूल, इतना बड़ा स्कूल है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने तक इतना थक जाते हैं। तो अभी हम आए हैं फिर से ज़ीमल की क्लास में, क्योंकि जो महर की है ना असेंबली, वो 8 o'clock है, और जो ज़ीमल की है वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ज़ीमल से मिलते हैं, इसके बाद फिर से महर की क्लास, महर की बिल्डिंग में जाएंगे। बहुत नाइस वेदर है आज। आज ना तो गर्मी है ना तो सर्दी है। आज मैंने लाइक बहुत अरसे के बाद ये सारा पैट्रियो डोर ओपन किया हुआ है। अभी ना आज वापस आ गई है ज़ीमल। अभी हम इसको स्कूल छोड़ने गए थे, लेकिन जब मैं असेंबली में गई ना, तो उसे रोना शुरू कर दिया कि मैंने मम्मी के साथ जाना है। आर यू बेबी, टेल मी, आर यू बेबी, व्हाई वर यू क्राइंग? यू वर शाय। और ये इसको मिला है स्कूल से। या यू कैन ओपन लेटर। मार्शमेलो, यम्मी, सुपर टेस्टी। कैन आई हैव दिस? नो, यू नो शेयरिंग विद योर मम्मी, शेयरिंग मी। ओह ओके, यू शेयर विद मम्मी, इट्स मच इजी टू लाइक, इट्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ओह, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ओके। ओके, आई ओपन फॉर यू नाउ। यस, तो अभी मैं बच्चों को छोड़ के स्कूल से आई हूँ। अभी सिर्फ महरी, आज महरी गई है 12:30। अभी मेरे बस 3 आवर्स है, इस मैं कुकिंग करूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आई एम मेकिंग लंच, चिकन राइस। यू लाइक चिकन राइस? हाँ, फिनिश करो एक मिनट। तो ज़ीमल को हम वापस ले आए,
जब मैं इसकी गई ना स्कूल में, इसके स्कूल में असेंबली थी ना, मतलब ये नेशनल डे की, तो रोना शुरू कर दिया मुझे देखकर कि मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है। तो इसको हम वापस ले आए, तो अब बैठ के कलरिंग कर रही है जो स्कूल से मिली है। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से ना व्लॉग्स नहीं बना रही थी, वजह ये थी कि मेरे अब्बू की रिसेंटली डेथ हुई है। मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, अभी भी है, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं वापस से व्लॉग बनाऊंगी। इंशाल्लाह वापस लाइफ में वापस तो आना है ना, ज़िंदगी तो नहीं रुकती है, तो इंशाल्लाह अब मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि आई लव व्लॉगिंग। मैं सारी दुनिया का काम छोड़ सकती हूँ, लेकिन व्लॉगिंग मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़नी है, कभी भी नहीं छोड़नी। बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। काफ़ी दिनों से ना मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। अब यहाँ पे इतना कुछ ओपन हुआ है, यूएई में इतना कुछ ओपन हुआ है, और ग्लोबल विलेज भी वापस से ओपन हो गया है। उसका आई थिंक 23rd सीज़न है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। अभी विंटर ब्रेक भी है, तो इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह तब भी हम कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी मेरे चैनल में बहुत मज़े के कॉन्टेंट आने वाले हैं। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें, और मिलते हैं वेरी सून मेरे अब्बू के लिए। दुआ करिएगा मगफरत के लिए, उनके लिए सूरह फातिहा पढ़िएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह वेरी सून। अल्लाह हाफिज़। मैं ज़िमल से अल्लाह हाफिज़। बाय। तो पहले मैं सोच रही हूँ मैं रेस्ट कर लूँ। देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मैंने अपना इतना वेट पुट ऑन किया है, इतना वेट पुट ऑन किया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अपना ट्रैक पे आना है इंशाल्लाह। एक्स्ट्रा मेरा वेट जितना है ना, मैं बता भी ये कब ठीक होगा मेरा गला। अभी जितना मेरा वेट है ना, मैं बता भी नहीं सकती हूँ, बताते हुए शर्म आती है, लेकिन बता देती हूँ। मेरा वेट है 69 75 तक किया था, 75 kg तक, क्योंकि मैंने कुछ भी करने को दिल नहीं था करता, ना वॉक करने को, ना कुकिंग करने को, कुछ भी नहीं। जस्ट खाओ, बाहर से मंगवाया, खाया और सो गए, बस ये मेरी लाइफ थी। कुछ करने को दिल नहीं था करता, कुछ भी नहीं, नमाज पढ़ी, खाया और सो गए, और कोई बात भी ना करे, सारा दिन कमरे में बंद रहना था। लेकिन इंशाल्लाह अब कुकिंग शुरू कर दी है, तो अब सॉरी सॉरी मैं वॉक करने की कोशिश भी की, वॉक करना बिल्कुल जहर था लगता, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं सब करूँगी। इंशाल्लाह वेट भी लूज़ करना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी इंशाल्लाह। कुकिंग इंशाल्लाह अभी मैं अभी सोच रही हूँ, अभी भी एक घंटा सो जाऊँ फिर उठ के कुकिंग करूँगी, क्योंकि रात को बहुत लेट सोई थी, तो अभी मैं सोने लगी हूँ। लाइट देखो, लाइट मैंने होने की भी है, तो अभी उठ के मैं कुकिंग करूँगी। ठीक है, कमल काट तो केक। कम चलो, हैप्पी एनिवर्सरी नानू एंड नानी। हैप्पी एनिवर्सरी नानू, नानू एंड नानी, एंड नानी। ओह दैट लुक्स यम्मी। हु गोना हैव फर्स्ट वन? मी 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 आई विल हैव इट। इट्स नॉट इजी, इट्स माय टर्न। इट स्मेल लाइक स्टेली। इट स्मेल लाइक स्टेली। तो ये मेरे अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी थी, 40th एनिवर्सरी थी। अब्बू तो सेलिब्रेट नहीं कर सके, क्योंकि मेरी फैमिली में ना हम कोई स्किप नहीं करते हैं कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे। मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी खुशियाँ, फैमिली गेट टुगेदर, आई लव इट। तो ये मेरी अम्मी अबू की 40th एनिवर्सरी थी, तो मैंने सेलिब्रेट की। अम्मी पाकिस्तान में भी की है, लेकिन वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती ऑब्वियसली, तो ये छोटी सी सेलिब्रेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब आने वाले कुछ वीक में ना, एक्चुअली 2 वीक में, मैं अपने पुराने ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल एडिट किए हुए हैं, यूके के स्पेशल मैंने आप सबके लिए बनाए थे। एक दिन हम लंदन गए थे, लंदन के टूरिस्ट प्लेस में। उसके अलावा मेरे फादर उन लोगों की बहुत मज़े की रेसिपी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आने वाले व्लॉग आपने देखने हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं न्यू व्लॉग शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।